प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इन्हीं में एक है जायफल। जायफल सिर्फ मसाला ही नहीं माँ औषधि भी है। आइए जानते हैं जायफल के गुण व लाभ। जायफल मिरिस्टिका नामक वृक्ष का बीज होता है। इसी वृक्ष से जावित्री भी पाई जाती है। मिरिस्टिका प्रजाति की लगभग 80 जातियां हैं जो भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर के द्वीपों में पाई जाती हैं। मिरिस्टिका वृक्ष के बीज को ही जायफल कहते हैं। इस वृक्ष का फल छोटी नाशपाती की भांति 1 इंच से 1.5 इंच तक लंबा व हल्के लाल व पीले रंग का बूदेदार होता है। पकने पर यह फल 2 खंडों में विभक्त हो जाता है और इसके अंदर से सिंदूरी रंग की जावित्री दिखने लगती है। जावित्री के अंदर गुठली होती है जिसके कड़े खोल को तोड़ने पर अंदर से जायफल प्राप्त होता है। आयुर्वेद की माने तो जायफल औषधीय गुणों से भरपूर है। आइए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक लाभ। जायफल को घिसकर उस पानी का सेवन करने व नाभि पर लेप करने से दस्त आने बंद हो जाते हैं। मुहासे होने पर जायफल को दूध में घिसकर चेहरे पर इसका लेप लगाने से मुहासे साफ हो जाते हैं। जायफल को पानी में घिसकर या मसाले के रूप में इस्तेमाल करने पर यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है तथा पेट की गैस को निकाल देता है। सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच जायफल चाटने से गैस की समस्या, सर्दी खांसी की समस्या नहीं रहती। पेट दर्द होने पर 4 से 5 बूंद जायफल का तेल चीनी के साथ सेवन करने से आराम आता है। सिर में तीव्र पीड़ा होने पर जायफल को पानी में घिसकर लगाने से आराम आता है। सर्दी के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जायफल को थोड़ा खुरचकर इस कतरन को चुटकी भर मुंह में रखकर 1-2 दिन के अंतराल पर चूसते रहिए। आप पूरी सर्दी भर सर्दी की चपेट में नहीं आएंगे। यदि आपको किसी कारण से भूख नहीं लगती है तो चुटकी भर जायफल की कतरन को चूसने से पाचन तंत्र मजबूत होगा और आपकी भूख भी बढ़ेगी, भोजन भी भलीभांति पचेगा। यदि किसी को दस्त हो रहे हैं या पेट दर्द हो रहा है तो जायफल को भूनकर उसके 4 भाग कर लीजिए। 1-1 भाग सुबह शाम चूसकर खाइए, आराम आएगा। लकवा का प्रकोप जिस जिस अंग पर हो उन अंगों पर जायफल को पानी में घिसकर रोज लेप करना चाहिए। 2 माह तक ऐसा करने से अंगों में जान आ जाने की संभावना देखी गई है। महिलाओं में प्रसव के बाद अगर कमर दर्द खत्म नहीं हो रहा है तो जायफल पानी में घिसकर कमर पर सुबह शाम लगाने से 1 सप्ताह में ही दर्द गायब हो जाता है। फटी एड़ियों के लिए जायफल को महीन पीसकर बिबाइयों में भर दीजिए। 10-15 दिनों में ही फटी एड़ियां ठीक हो जाएंगी। जायफल के चूर्ण को शहद के साथ चाटने से हृदय रोगों में लाभ होता है। वह हृदय मजबूत होता है, साथ ही पेट भी ठीक रहता है। जी मिचलाने पर जायफल को पानी के साथ थोड़ा सा घिसकर पीने से जी मिचलाना बंद हो जाता है। जायफल का सेवन करने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है व आवाज भी मधुर हो जाती है। जायफल को पानी के साथ थोड़ा सा घिसकर आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की खुजली और धुंधलापन खत्म हो जाता है। चेहरे पर या त्वचा पर पड़ी झाइयों को हटाने के लिए जायफल को पानी के साथ पत्थर पर घिसकर इसका लेप झाइयों पर लगाने से त्वचा में निखार आता है व झाइयां मिट जाती हैं। चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए जायफल को पीसकर उसका लेप बनाकर झुर्रियों पर 1 महीना लगाने से झुर्रियां मिट जाती हैं। जायफल काली मिर्च और लाल चंदन को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है और मुहासे भी समाप्त हो जाते हैं। बच्चों को सर्दी जुखाम से बचाने के लिए जायफल का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में 3 चुटकी लेकर गाय के घी में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम सेवन कराने से लाभ होता है। बार बार पेशाब आने पर जायफल और सफेद मूसली 2-2 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पानी से निगल लें।
दिन में एक बार सेवन करने से ही 10 दिनों के भीतर आराम आएगा। अक्सर महिलाओं की आंखों के नीचे काला घेरा सा बन जाता है, इसे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जायफल का लेप लगाकर सुबह सादे पानी से धो लेने से लाभ होगा। चेहरे पर रोजाना जायफल का लेप लगाने से अनिद्रा रोग में आराम तो आता ही है, साथ ही त्वचा में निखार भी आता है और त्वचा सदैव तरोताजा बनी रहती है। यदि दांत में दर्द हो रहा हो तो जायफल का तेल का फाहा दर्द वाले दांत पर रखने से दर्द में आराम आता है। यदि दांत में कीड़ा लगा है तो वह भी कुछ दिनों के सेवन से ठीक हो जाता है। यदि पेट में दर्द हो रहा हो तो जायफल के तेल की 2-3 बूंदे एक बताशे में टपकाएं और खा लें, जल्द ही आराम आ जाएगा। जायफल को पानी में पकाकर उस पानी से गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, वह गले की सूजन में भी आराम आता है। यदि माँ को अपने शिशु का दूध छुड़ाना हो और ऊपरी दूध उसे हजम नहीं होता हो तो दूध में आधा पानी मिलाकर इसमें एक जायफल डालकर उबाल लें। इस दूध को गुनगुना गर्म चम्मच से शिशु को पिलाएं। यह दूध शिशु को आराम से हजम हो जाएगा। जायफल के इन सभी लाभों के साथ साथ यह भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक भी बनाता है, इसलिए नित्य भोजन में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण व ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। किसी भी प्रकार के प्रयोग से पूर्व अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य जी से सलाह अवश्य ले लें। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।